नमस्कार, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो गाइस, आज राहुल कार्तिक सब लोग, सारे लोग मिलके गणेश जी के लिए शेड डाल रहे। गाइस, हमारे घर के बाजू में एक ओपन फ्लैट है ना, तो हम हर साल घर के अंदर ही बिठाते, मगर ये साल ये लोग क्या करें, बाजू ओपन फ्लैट ही चेना। हम सारे लोग फ्रेंड्स, मतलब हम राहुल के स्कूल फ्रेंड्स, जैसे हमारे कॉलोनी के 4-5 बच्चे, सब लोग, सारे लोग पैसे इकट्ठा कर लेके वो लोग गणेश जी बिठा रहे, तो उसका शेड का काम चल रहा है। मैं दिखाती हूँ, सारे लोग मेहनत कर रहे। गए हमारे बाजू में आंटी है, वो आंटी भी मेहनत कर रहे, सारे लोग। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, और उनकी थोड़ी बहुत शॉपिंग करना है, टेबल्स वगैरह लाना है, तो वो लाने के लिए चलते। बहुत मेहनत कर रहे गए इस बच्चे, वो भी सारे लोग, उनकी पॉकेट मनी, 1 month की पॉकेट मनी सब लोग डाले के अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी कम पड़े तो थोड़े लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके चाचा भैया ना, उनके पास से ले ले रहे। तो फिलहाल चलो, अभी तो वो सेट का काम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी शॉपिंग कर देते, हम भी थोड़ी उनके हेल्प कर देते, कुछ सामान हम लोग भी दिला देते हैं उनको। तो फिलहाल अभी चलते हैं, चलो। तो इधर गणेश बिठाने की तैयारी चल रही है, हमारे सारे बस्ती के बच्चे काम कर रहे। देखो पापी चल, मेन राहुल सा काम कर रहा है इधर। देखो राहुल सा घर में तो कुछ काम नहीं करता, यहाँ कितना मेहनत कर रहा है देखो लड़का ये। इधर रेडम्मा भी देखो, रेडम्मा भी काम कर रही है इधर, हमारे बाजू वाले आंटी हमारे बाजू वाले आंटी भी काम कर रहे। देखो गैस कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग। मतलब बहुत गंदा था, गंदा मतलब कचरा वगैरह था, इतना साफ कर दिए देखो सारे बच्चे मिलकर, हमारे कॉलोनी के बच्चे बच्चे बिठा। कभी भी घर में बिठाते हम लोग, मगर इस साल बाहर बिठा रहे हैं। और एक हम लोग पूजा कर रहे थे ना गैस, एक वाला मतलब इसके लिए रख दी थी मैं, हमारे घर के बाजू में ही रहती, एक मैं उठा के रख दी थी इसके लिए, तो उसे अभी दे रहे हैं हम लोग। बेगम बाजार पहुंच चुके हैं, यहाँ पर देखो शेड डालते ना, शेड के लिए कवर्स लेकर देखते हैं क्या रेट में रखे। बाजार में कवर ले लेके गोशा में ला गए, गोशाल में इनमें सारा टेंट हाउस का सामान मिलता है ना गाइस, इधर आ गए, क्योंकि टेबल्स वगैरह लेने के रेंट पे बहुत ज़्यादा बोल रहे गए, 7-8 हज़ार रुपये बोल रहे रेंट पे, तो इसलिए हम लोग सोचे खरीद लेंगे, फिर बाद में भी काम को आ जाएगा बोल के, तो वही हम लोग हैं ढूंढ रहे रेट, जहाँ कम होगा वहाँ पर लेंगे बोल के, 4-5 शॉप घूम रहे। चलो मैं दिखाती हूँ आपको भी, दूसरी तीसरी 5-6 दुकान घूम ली हम लोग, रेट एक एक दुकान में, एक एक रेट, एक एक सामान है, एक में क्वालिटी अच्छी है रेट तो रेट ज़्यादा, एक में क्वालिटी कम है, वो बोल रहे आप रेट कम का लेके जाएंगे तो, मगर आपको क्वालिटी सही नहीं देंगे। देख रहे ये वाली शॉप में बड़ी है बहुत शॉप, देखते हैं अगर रेट फाइनल होता है तो इनके पास से ही ले लेते। फाइनली हम लोग 2 बड़े बड़े साइज के पर्दे ले लिए, और एक कारपेट भी ले लिए, और 8 टेबल्स भी ले लिए गाइस। यहाँ पर गोशा महल पे बाबा टेंट हाउस बहुत रिजनेबल रेट लगा रहे, होलसेल रेट ही, और उनके सामान की गारंटी है। अगर दूसरे लोग रेट कम कर देते, सामान सही नहीं देते, मगर लकड़ी सही नहीं रहती, और वो जो नीचे का टेबल आता ना, पाइप्स वगैरह, उसका भी लेंथ या वो कुछ ठीक नहीं रहता, तो इसलिए बोले आप हमको गारंटी से देंगे, आप लेके जाओ बोल के बोले। तो गोशा महल एकदम पुरानी वाली कराची बेकरी है ना गाइस, अगर हैदराबाद में रहने वाला तो पता चल जाएगा, पुराने वाली कराची बेकरी एकदम उसके पीछे में ये वाली शॉप है बाबा टेंट हाउस, मैं आपको दिखा भी देती हूँ बाहर से। चलो फिलहाल अभी ले लिया ऑटो, बात कर लेते हैं, उसमें डाल के लेके चले जाते हैं घर पे। गैस हम लोग घर पहुंच गए, ऑटो में सब सामान डला दिए ना गैस, वो ऑटो आ रहा है, उसमें सन्नी को बिठा दिए हम लोग, मैं आ गई, राहुल तो अकेले आ रहा गाड़ी पे, राहुल आ रहा और ऑटो भी आ रहा, अभी आया नहीं, हम लोग आ गए, अब 5-10 मिनट में वो भी आ जाएगा। मेरे पीछे में देखो कौन बैठा है कार के ऊपर, नोबिता,
नोबु गुड़िया कहाँ बैठे ले? मम्मी छोके गई नहीं, नोबु को नए लेके गए नहीं? नहीं नोबु नए लेके गए नहीं। चलो गाइस ऑटो आने के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस देखो दोपहर से करते हुए बेचारे शाम हो गई, अभी इतना सा कंप्लीट हुआ इनका। अब आज तो कवर वगैरह ला लिए ना, आज डालते या कल डालते पता नहीं, मगर देखो पा बेचारे इधर बने देखो। तो गाइस आज के वीडियो में देखे होंगे, बस इन लोग शेड डाले और सामान वगैरह थोड़ी बहुत शॉपिंग किए और गणेश जी भी लाने का है। गाइस मतलब इन सारे लोग इनकी पॉकेट मनी डाल ले रहा है ना, और कोई कोई लोग को इनको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, कोई कोई मतलब उनके दीदी लोग भैया लोग और हमारे रेंट वाले ये सारे लोग थोड़े बहुत पैसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो हिसाब में ना सामान लेके आ ले रहे। और गैस बहुत मेहनत कर रहे गैस बच्चे, तो गणपति पापा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे। तो गैस आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।